हमारी सोसाइटी में आजकल टीनेजर्स, यूथ और एडल्ट्स में भी ये एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो पहले से बढ़ रहे हैं. पहले इतने नहीं थे, अब ज्यादा हैं. तो मैम ये क्यों बढ़ रहे हैं और इनको खत्म कैसे किया जा सकता है? बेटा एक तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि टीनेज क्राइसिस का मतलब है कि जब टीनेज स्टार्ट होती है तो बच्चों के अंदर, उनके बॉडी के अंदर डिफरेंट बायोकेमिकल चेंजेस आती हैं, डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं. मैं थोड़ा सा जरा इसको और आसान अल्फाज में कह दूं कि जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे और बच्चियां, तो उनके अंदर डिफरेंट सेक्सुअल हार्मोन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है. बेटा जब एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है तो एनर्जी को चैनलाइज होने के लिए भी चाहिए होता है कोई रास्ता. एनर्जी जब बॉडी के अंदर पैदा हो रही है तो वो देखती है कि मुझे बाहर चैनलाइज, और उसका बेस्ट वे है, जैसे कि अगर आप देखें, आप अपनी ज्यादा एनर्जी को इन्वेस्ट कर रही है क्रिएटिविटी में, बाय मेकिंग योर चैनल, बाय डूइंग द कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स. सिमिलरली मैं यंगस्टर्स को कहती हूँ कि आप स्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हों. चलिए आजकल कोविड की वजह से हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, बट अदरवाइज फिजिकल एक्टिविटीज बच्चियों के लिए भी बहुत जरूरी है. मैंने देखा है बच्चियां गेम्स प्ले नहीं करती. मैं बार बार कह रही हूँ कि बच्चों को भी गेम्स प्ले करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, ताकि उनकी एनर्जी चैनलाइज हो और उसको एक्सप्रेशन मिले. ना तो उन्हें उसको दबा के बॉडी के अंदर रखना है और ना ही, और बेटा याद रखें, अगर हम उन्हें हेल्दी चैनल्स के थ्रू नहीं चैनलाइज करेंगे एनर्जी को, तो वो एंगर की फॉर्म में, आपने अक्सर सुना होगा जी बच्चे जवान हो रहे हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ द एंगर, और वो फिर दैट लीड्स टू स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन. दूसरा इसमें फैक्टर बेटर जो हम बात करते हैं कि यंगस्टर्स में इतना ज्यादा क्यों स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन है, तो उसकी फिर अगेन रीजंस डिफरेंट है. सबसे पहले तो बेटा हमें अंडरस्टैंड ये करना पड़ेगा कि ऑब्वियसली मैं फिर ये बात कर रही हूँ कि पहले वक्तों में इतना इस तरह से कॉम्पिटिशन नहीं था, अब कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है. नंबर टू, इंटरनेट के दौर में अब देर इज जस्ट वन कल्चर विच इज द इंटरनेट कल्चर, और इस इंटरनेट कल्चर के दौर के अंदर हम बहुत ज्यादा जो वी आर गेटिंग ओवर बम्बार्डेड विद द इंफॉर्मेशन, इज टू मच इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन बिफोर टाइम. मैं ये आई एम टॉकिंग दिस फॉर द टीनेजर्स, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स. आपने बात की, आप चूंकि यूथ के प्रॉब्लम्स के बारे को एड्रेस कर रही हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि बेटा हर, देखिए एक फिजिकल एज होती है, एक मेंटल एज होती है. अगर आपकी फिजिकल एज जो है वो लेट्स से 15 या 16 या 17 ईयर्स है, और अगर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बिफोर टाइम मिल रही है, तो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन इज अनएबल टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन इन अ हेल्दी वे. वो होगा क्या कि जब ज्यादा इंफॉर्मेशन, whether it's in form of competition, whether it's in form of any different medium, तो वहां पर फिर आप अपने आप को एक पीयर प्रेशर, जिसको हम कहते हैं इस एज में, क्योंकि बच्चे जो है उनका इमोशनल बैलेंस वो इतने कंपोज नहीं होते इमोशनली, तो दे इजिली गेट इन्फ्लुएंस्ड विद द पीयर प्रेशर, और उस पीयर प्रेशर की वजह से कि फॉर एग्जाम्पल उनको कोई कुछ कह दे, कोई बुली कर दे या कुछ और कुछ कर दे डिफरेंट रीजंस, तो वहां पर फिर बेटा इट लीड्स टू स्ट्रेस, एंड व्हेन इट गोज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इट इज देन कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन. यू सी, जहां पर आपकी क्रिएटिविटी और डेली लाइफ फंक्शनिंग जो है वो ब्लॉक हो जाती है. तो आपने बात की कि बच्चों में ये हमें किस तरह से अब रिजोल्व करना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है बेटा इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इस, अगर हम कोविड की सिचुएशन को ना देखें, अदरवाइज जब इंशाल्लाह व्हेन द थिंग्स दे विल गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ, कि हमें जिंदगी के अंदर एक बैलेंस, बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि दे आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट एंड दे आर नॉट गोइंग टू प्रोसेस एवरी इंफॉर्मेशन विच कम्स ऑन द सोशल This social media, I'm sorry to say, is bringing a lot of negative energy, जिसकी वजह से youngsters जो होते हैं, उसकी मैं आपको आगे examples भी दूंगी कि कुछ बच्चों ने किस तरह से भी recently जो है वो different games में involved होकर उन्होंने कुछ unfortunately suicidal incidents भी हुए हैं. तो जो आप बात कर रही हैं उसमें बच्चों को ये समझना पड़ेगा, खुद भी और उनके parents को भी और उनके educational institutes को भी, इस चीज के ऊपर उन्हें स्टूडेंट काउंसलर्स रखने पड़ेंगे जो कि ये वर्कशॉप्स और सेमिनार्स दें कि जिंदगी के अंदर बैलेंस लाइफ कैसे गुजारनी है, गैजेट्स को कैसे यूज करना है, किस इंफॉर्मेशन को आपने एक्सेप्ट करना है, ट्रस्ट करना है, किस इंफॉर्मेशन को नहीं करना. और इसके साथ साथ जो आपने फैमिली टाइम है, बच्चों को बार बार कह रही हूँ फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करें,
पेरेंट्स बहन भाइयों के साथ टाइम जरूर गैजेट्स भी करें, नो डाउट आप देखेंगे गैजेट्स की वजह से आज आप और मैं बैठ के बात करें एंड वी विल बी स्प्रेडिंग दिस इन्फॉर्मेशन ऑन अ लार्जर स्केल, बट दिस वी हैव टू डिसाइड ऑब्वियसली कि वेदर वी आर गोइंग टू यूज दीज चैनल्स दीज platforms, these mediums in a healthy way, या फिर हम इसको excessive use करने के बाद फिर हम अपनी obviously functioning को block करते हैं. So similarly, there are lot more reasons जो आप बात कर रही हैं, but this is one of the major reason के जो हम बहुत ज़्यादा बेटा मैं बार-बार कह रही हूँ youth को unhealthy comparison नहीं करना कि उसके पास ये है तो मुझे भी ये चाहिए. पांच उंगलियां बराबर नहीं है. We have to see what we are being blessed for. जो मैं आजकल youngsters के अंदर देख रही हूँ उनमें बहुत ज्यादा इस चीज का है कि उसके पास तो ये हमारे पास ये नहीं. और एक और चीज जो मैं इसमें add up करूंगी factor, आजकल के वैसे तो आप छोटे बच्चे हो मेरे लिए आप भी क्लिनिकल के अंदर जब क्लिनिक में केसेस आते हैं तो आजकल ज्यादा बच्चे इस डिप्रेशन के साथ आते हैं कि डॉक वी आर डिप्रेस्ड बिकॉज हमारा ब्रेकअप हो गया है. तो ये जो ब्रेकअप का आजकल जो चल रहा है रिलेशनशिप्स में, एक बच्ची लिटरली मेरे पास आई, शी वाज एन ओल्ड ए लेवल स्टूडेंट एंड शी वाज सेइंग टू मी दैट आई एम वेरी स्लिम, आई थिंक आई एम नॉट अट्रैक्टिव टू बॉयज एंड आई डोंट हैव एनी रिलेशनशिप एंड माय फेलोज, इट्स एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल आई एम शेयरिंग, एंड माय फ्रेंड्स दे बुली मी जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट के मैं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है. तो मैंने फिर हंस के कहा कि डू यू रियली वांट मी टू टेल यू हाउ टू हुक द बॉयज, सकेती ये स्टॉक. ओह माय गॉड, राइट अ नोट. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मेरा ख्याल है कि हम ये जो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस यूज करते हैं गैजेट्स में, जो गेम्स यूज करते हैं, जो अननेसेसरली उनका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी बेटा एनर्जी प्रॉपर चैनलाइज नहीं होती, विच अल्टीमेटली लीड्स टू एंगर एंड स्ट्रेस.